हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आई इमोजीज कैसे अप्लाई करें अपने एंड्रॉइड फोन में वो बताने वाला हूँ। अगर आपको विदाउट जी फॉन्ट आई इमोजीज अप्लाई करना है तो ये वीडियो पूरा देखना एंड फाइल में पासवर्ड लगा हुआ है तो कोई भी पार्ट स्किप मत करना, पासवर्ड वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में चले जाना है एंड वहाँ पर आपको मेरे टेलीग्राम पेज की लिंक मिलेंगी। टेलीग्राम से आपको जिप फाइल डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना और फाइल में पासवर्ड लगा है तो वीडियो को पूरा देखना। एक्सट्रैक्ट करने के बाद फाइल को इंस्टॉल कर लेना। तो इंस्टॉल करने के बाद आपको सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको सर्च कर लेना है रीजन। रीजन में जाने के बाद आपको रीजन सेलेक्ट कर लेना है म्यांमार। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपना रीजन म्यांमार सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा सपोर्ट डाई करेक्टर का, सिंपली आपको इसे भी ऑन कर लेना है। इसके बाद आपके iOS इमोजीज इनेबल हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे के सारे इमोजीज परफेक्टली इनेबल हो चुके हैं। तो अब भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपको प्ले स्टोर में जाके जीबोर्ड सर्च कर लेना है। अगर जीबोर्ड ऑलरेडी इंस्टॉल है तो उसको अपडेट कर लेना। एंड इसके बाद आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा ऐप्स का। ऐप्स में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऐप मैनेजमेंट का। तो उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च कर देना है जीबोर्ड। जीबोर्ड सर्च करने के बाद आपको यहाँ जीबोर्ड का सारा डाटा क्लियर कर देना है। तो उसके बाद आपके iOS इमोजीज इनेबल हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।